तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज मैं लेकर आ चुका हूँ अपने क्यूब कलेक्शन की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे क्यूब्स भाई रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने बहुत ही सही से भाई इनको बहुत टाइम लगा करके सारे क्यूब रखे हैं। तो एक एक करके सारे क्यूब्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एंड लास्ट में दो अलग क्यूब है जो कि भाई होम मेड है, तो उनको भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलो भाई क्यूब कलेक्शन की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज हमारे सबसे पहले नंबर पे जो क्यूब आता है वो है हमारा पैरामिक्स क्यूब, ये देख सकते हो। देखो यार यहाँ पे जितने क्यूब है सारे मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं, ठीक है। एंड इसको मैं पहले तो सही से कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सबसे पहले आता है पैरामिक्स क्यूब, जिसकी टर्निंग्स बहुत ही सही है, ठीक है। एंड ये पैरामिक्स क्यूब मुझे अराउंड 300 के आसपास का मिला था। तो यार यहाँ पे पैरामिक्स क्यूब देख लिया, अभी इसको करते हैं साइड में। गाइस हमारे सेकंड नंबर का जो क्यूब है वो है ये 3x3 स्मॉल 3x3, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमको ये मिला था अपने WRM V10 के साथ पे, ठीक है। तो मैं अभी सारी चीज़ें बताऊँगी, ये मुझे मिला था एंड मैंने WRM V10 अभी कुछ दिन पहले ही मंगाया है न्यू। तो उसके साथ पे मुझे फ्री मिला है क्यूब ले लो की तरफ से, एंड एक ब्लैक वाला स्टैंड भी फ्री मिला था मुझे। तो ये क्यूब भाई बहुत ही सही है, ये मोजैक सेट वाला है इसका। हम इसको निकाल के ढेर सारे लगभग 36 या 100 पीस का मोजाइक सेट बना सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसको मैं एक बार निकाल के भी दिखा देता हूँ, ये देखो। एंड ये वापस भी लग जाएगा, तो चलो इसको ऐसे ही रख देते हैं हम। एंड इसको हम कर देते हैं साइड। तो गाइज उसके बाद जो अगले नंबर पे हमारा क्यूब आता है वो है मोयू का WRM V10, जिसके साथ ये बॉक्स मिलता है बहुत ही सही सा। तो यहाँ पर ये बॉक्स कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है, जिसको अब हम करने वाले साइड। एंड यहाँ पर ये रहा हमारा क्यूब, बहुत ही फास्ट टर्निंग्स के साथ आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा मोयू का WRM V10 है। तो उसको अभी चलो ऐसे ही रखते हैं एंड इसको हटाते हैं यहाँ। तो गाइज अगले नंबर पे आता है हमारे यहाँ पे 2x2, जो कि आई थिंक मोयू कंपनी का है, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक 2x2 है ये, क्योंकि भाई मैं इतनी प्रैक्टिस करता नहीं हूँ उस पर, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता, तो नॉन मैग्नेटिक 2x2 मेरे लिए बहुत है, और कौन सा मैं स्पीड क्यूबिंग करता हूँ उस पर, ठीक है। अगले नंबर पे है हमारा मेगामिक्स क्यूब, ये देख सकते हो भाई। ये क्यूब ले लो का ड्रिफ्ट मेगामिक्स है, ठीक है। ये भी मैंने क्यूब ले लो की तरफ से मंगाया था। एंड इसके साथ हमें पाउच वाउच मिलता था, जब पहले के समय पे फ्री पाउच मिलता था क्यूब रखने वाला। तो ये यहाँ पर देख सकते हो मेगामिक्स काफ़ी बढ़िया सा है, बट वेट बहुत ज़्यादा है इसका, तो उसको भी करते साइड। तो गाइज अगले नंबर पर आता है हमारा ये 5x5, आप देख सकते हो। एंड इस पर ये क्या लगा हुआ है भाई, हाँ तो ये देख सकते हो ये हमारा 5x5 है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्यूब है, इस पर मैं लोगों का ऐसे नाम लिखता हूँ, अगर आपको भी अपना नाम लिखवाना है तो अपना नाम कमेंट कर दो, ठीक है। तो उसको भी करते हैं अभी साइड पे। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा RS3M, ठीक है, 2020, जो कि भाई अब मेरा मेन क्यूब नहीं रहा। मेरा मेन क्यूब यहाँ पर V10 हो चुका है, बट RS3M भाई देख रहे हो UV कोटेड लग रहा है एकदम। एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ, देखो कोई भी UV कोटेड नहीं, ठीक है, दोनों नॉर्मल है। बट ये देखो भाई दोनों देखो चमक कौन रहा है ज़्यादा, ये RS3M बहुत तगड़ा शाइन करता है ये देखो। एंड ये इतना अभी शाइन नहीं करता, बट थोड़ा यूज़ करने के बाद ये भी उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते वापस से साइड एक मिनट, हाँ। तो RS3M हमारा मैग्नेटिक वाला है, ये तो हर कोई जानता है भाई, हर एक क्यूबर का पहला मैग्नेटिक क्यूब यही होता है ज़्यादातर क्यूबर्स का, ठीक है। तो उसको भी करते साइड। अगले नंबर पर हमारे यहाँ पर स्किप क्यूब, जो कि भाई मैग्नेटिक है, आई थिंक ये मैंने मोयू का ही मंगाया था ना, मोफेंग जोशी भाई, ये मोयू का ही है ना भाई, पता नहीं, बट ये मैग्नेटिक वाला है, ठीक है भाई। ये देख सकते हो लगभग 800 के आसपास मिला था मुझे, 800 प्लस में ही मिला था इतना आई थिंक है, ठीक है। बाकी आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हो देवांश, अपने क्यूब पे 5% का डिस्काउंट पाने पे, यानी कि जितना महंगा क्यूब उतना बड़ा डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो मेरा कोड यूज़ करो एंड भाई बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा 5% का, ठीक है। तो जाओ मेरा कोड यूज़ करो क्यूब ले लो पे। बाकी नेक्स्ट जो हमारा क्यूब है वो है यहाँ पे GE2S का नॉन मैग्नेटिक 3x3। जी हाँ भाई ये भी 3x3 है, बट ये नॉन मैग्नेटिक है। देखो सबसे पहला मेरा जो क्यूब है वो टूट चुका है, ठीक है। तो रुको मैं वो भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो बॉक्स में मेरा सबसे पहला क्यूब पड़ा हुआ है टूटा हुआ, ठीक है। तो यार इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। बाकी यहाँ पे एक ब्लैक फोर्स 1x1 भी पड़ा है, तो ये भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसको मैंने बनाया था होममेड, एंड यहाँ पे ये मेरा टूटा क्यूब है, तो उसको भी करते साइड। ये रहा हमारा GE का नॉन मैग्नेटिक, जो कि मेरा सेकंड क्यूब था, ठीक है, वो टूट गया था तब मैंने इसको मंगाया था, तो उसको भी करते हैं साइड। अगला जो हमारा क्यूब है वो है ड्रिफ्ट का फिशर क्यूब, ठीक है। ये ड्रिफ्ट का फिशर क्यूब है, जो कि भाई बहुत सही टर्निंग्स के साथ हमें मिल जाता है।
तो गाइस अगला आता है हमारे पास फोर्स क्यूब, ठीक है। तो मैं और फोर्स क्यूब आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ चार फोर्स क्यूब ये रहे एंड दो ठो यहाँ पे दबे हुए हैं, तो उनको करो साइड में। ये देखो, ठीक है, फोर्स क्यूब है एंड यहाँ पे ये दो फोर्स क्यूब को मैंने मिला करके, ये जो रखा है वो वाला एंड इसको मिला करके इस तरह का कुछ बनाया है। बाकी ये देख सकते हो फोर्स क्यूब एंड इसको भी करते साइड। गाइस जो नेक्स्ट नंबर का हमारा क्यूब है वो है गेयर क्यूब, ठीक है। ये कोई कंपनी का तो नहीं है आई थिंक, मतलब कि मुझे फ्लिपकार्ट से मैंने ये मंगाया था क्योंकि फ्लिपकार्ट पे मुझे सस्ता मिल रहा था एंड इसकी टर्निंग्स बहुत सही है भाई। ये मतलब अटकता नहीं, एकदम मस्त सा है, ये देख सकते हो भाई। अभी स्क्रैम्बल नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा एक गेयर क्यूब भी है हमारे कलेक्शन में एंड चलो नेक्स्ट क्यूब दिखाते हैं आपको। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्यूब है वो है यहाँ पे मिरर क्यूब, ठीक है। ये उतना ज़्यादा सही टर्निंग्स नहीं है, मतलब इसकी टर्निंग्स उतनी सही नहीं है, बट हाँ सॉल्व करने के लिए मेरे लिए तो ठीक ही है ये, ठीक है। बाकी ये भाई साइन बहुत सही करता है, ये देखो। बाकी चलो इसको भी करते हैं साइड। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे एक वुडन पज़ल, ठीक है। ये एक वुडन का इसका केस है, इसके अंदर चार पज़ल हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाता, जब स्टार्टिंग में मंगाया था तब मैंने बनाई थी वीडियोज़। बाकी यार इसके बहुत ही सही क्वालिटी है यार, ये देखो एकदम ऐसा लगता है प्रीमियम सा क्यूब है भाई, जबकि है ये कुछ 600-700 के अराउंड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट देखने में इतना एक्सपेंसिव लगता है, तो इसको भी करते हैं साइड पे एंड। तो गाइस इतना था मेरा टोटल कलेक्शन एंड इस पे लास्ट में मैंने कहा था दो अलग क्यूब दिखाऊंगा, तो वो भी ले आता हूँ। A few moments later. तो गाइस ये है होम मेड दो ठो अलग क्यूब्स, ठीक है। ये तो एक इन्फानाइट क्यूब है, ये देख सकते हो, ठीक है। तो एक इन्फानाइट क्यूब मैंने घर पे ही बनाया था, बाकी एक 1x1 है जो कि यार इस पे मैंने गैन लिखा हुआ है, बट ये देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि गैन का है। बाकी यार ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया क्यूब्स थे एंड मेरा कलेक्शन आपको कैसा लगा एंड आपको प्राइस गेस करना है कि ये कितने का होगा, ठीक है। एंड